जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। बात हो रही है शराबबंदी कानून में संशोधन का, जिस पर नीरज कुमार ने कहा है कि सदन के अंदर क्या संशोधन होता है उसका इंतजार करना चाहिए, विपक्ष को हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि तेजस्वी यादव और उनके जितने भी विधायक हैं वो सदन के अंदर क्रिया खाए थे, शपथ लिया था शराब नहीं पीने की। बिहार की जो आधी आबादी यानी महिलाओं की बात कर रहे हैं नीरज कुमार, आधी आबादी जो है टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि क्या होता है शराबबंदी से, महिलाओं को खासकर कितना फायदा है, ये सब लोगों के सामने है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। अब खुलेआम मिले इसके लिए संशोधन करने लाया जा रहा है, भविष्यवक्ता है। अरे ये सब जब सदन के अंदर में बातें आएंगी तब इस संबंध में मंतव्य देना चाहिए, बेचैनी नहीं रखना चाहिए। 50% जो आबादी है वो नजरे इनायत किए हुए है कि शराबबंदी का विरोध कौन कौन लोग कर रहे हैं। अगर पेट में पीड़ा है शराबबंदी से तो सार्वजनिक कहिए कि शराबबंदी सही फैसला नहीं है, और जो हमने सदन में संकल्प लिया था, क्रिया खाया था, वो गुनाह किया था। बेरोजगारी के मुद्दे पे तेजस्वी यादव सदन में, बेरोजगारी किस मामले में, सॉरी बेरोजगारी का बिंदुवार बताएंगे ना, हम उनको बताएंगे बेरोजगारी के सवाल पर। हम उनके पैतृक गांव से ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पैतृक गांव है जहां नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया गया, सब खाता खसरा नंबर मेरे पास है। तो रोजगार पर जब भी बहस करिए तेजस्वी यादव जी, उसकी पात्रता इसलिए आप में नहीं है कि आपके नाम से, आपके निक नेम से, उपनाम से नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है। तब पहले उस गरीब लोग को जो अति पिछड़ा है, सामान्य समुदाय के हैं, जो अल्पसंख्यक, उनका जमीन लौटा दीजिए, तब रोजगार पर बहस करिए। ठीक, तो सुना आपने एमएलसी नीरज कुमार को, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। बेरोजगारी के सवाल पर जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी किस चीज़ की है, तेजस्वी यादव बताए, मैं उनके पैतृक गांव से ही शुरुआत करता हूं, वहां किसके नाम की ज़मीन है। तेजस्वी यादव का जो निक नाम है, अक्सर नीरज कुमार कहते रहते हैं कि जो तरुण यादव है वो कौन है, तरुण यादव तेजस्वी यादव का ही दूसरा नाम है, ये नीरज कुमार आरोप लगाते रहते हैं इसको लेकर के। वो कहा है कि उनके गांव से लेकर के पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास किया है, ये सबके सामने हैं। तो इस पर अब आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।